हमने प्रॉपर्टीज़ की थी बार मैग्नेट की, तो ये शीट सिर्फ जो भी हमने काम अभी तक किया उसकी रिवीजन करवा रही है आपको। वो कैसे? बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट में सबको पता है नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं। मैग्नेट को अगर सस्पेंड कर देंगे तो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी वो शो करेगी डायरेक्शन, अर्थ के फील्ड की तरफ अलाइन हो जाएगी। रिपल्शन और अट्रैक्शन शो करती है। एक बार मैग्नेट को अगर आप ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे अलग अलग पीसीज में, तो पोल कभी ख़त्म नहीं होते, पोल स्ट्रेंथ खत्म नहीं होगी। एम और एम है, एम और एम, एम और एम, एम और एम रहेगी। तो पोल्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नॉर्थ से साउथ जाती है। कैसे पता लगता है? मैग्नेटिक नीडल को रख रख के देख लो तो हमेशा डायरेक्शन ऐसे शो करती जाएगी। तो ये पता लग रहा है कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नॉर्थ से साउथ जाएगी। करंट कैरिंग वायर एक्ट्स लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल, करंट इनटू एरिया हमने किया हुआ है। हमने ये किया हुआ है, अगर एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है उसका डायपोल मोमेंट क्या होता था? एम इज इक्वल टू ई वी आर बाई टू, हमने एनसीईआरटी के अंदर किया ये, और हमने एंगुलर मोमेंटम के साथ भी इसका रिलेशन किया था। फिर हमने उस थ्योरी में एंगुलर मोमेंटम को क्या पुट किया था? एन एच बाई टू पाई। फिर बोहर मैग्नेट्रॉन भी आया था, ऐसा हमने किया। इसके अंदर ये करते हुए मैंने कैपिटल एम तो निकाल दिया, मैंने कैपिटल एम निकाल दिया, लेकिन इसमें मैंने सिर्फ एक ही मोशन ली थी इलेक्ट्रॉन की, ऑर्बिटल मोशन। जबकि इलेक्ट्रॉन की दो मोशन होती है, ऑर्बिटल भी होती है और स्पिन भी होती है। तो कैपिटल एम का जो रिजल्ट है एक्चुअल में अगर कंप्लीट सेंस में लिया जाए तो दोनों का वेक्टर सम होता है, जिसमें एक डायपोल मोमेंट किसकी वजह से होता है? एंगुलर मोमेंटम। और एक डायपोल मोमेंट किसकी वजह से होता है? स्पिन मोशन की वजह से। यूज़ नहीं होता बट मैंने बता दिया कि ऐसा रिजल्ट है, ठीक है, यूज़ वही होगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सबको पता है, बार मैग्नेट सबको पता है, ज्योमेट्रिक लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ के बीच में रिलेशन बताया था कि पोल थोड़े अंदर की तरफ होते हैं मैग्नेट के, ये बताया था। कूलम लॉ मैग्नेटिज्म मैंने बता दिया। मैग्नेटिक डायपोल कैसे निकालना है, स्मॉल एम इंटू टू एल, ये भी हमने किया हुआ है। एक्सियल लाइन का फॉर्मूला हमने किया हुआ है। इक्वेटोरियल लाइन का फॉर्मूला हमने किया हुआ है। टॉर्क का फॉर्मूला हमने किया है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने किया है। तो इस शीट में और कुछ नहीं है, सिर्फ